तो गाइस यार मुझे तो नहीं पता कि ये जो पानी, ये जो लाइट बल्ब है, ये पानी के अंदर किस तरीके से जल रहा है या फिर क्यों जल पा रहा है। अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हे गाइस, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटर एक्स। सो आज के इस वीडियो में मैं मिस्टर इंडियन हैकर की इस वीडियो का रिव्यू करने वाला हूँ। सो गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में पानी के अंदर बल्ब जला के दिखाया था, बट दिलराज भाई ने इसके पीछे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मोर ओवर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, दिलराज भाई ने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ये बल्ब है वो ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा या फ्यूज क्यों नहीं हो रहा। मैं तो सोचा था शॉर्ट होके फूट जाएगा या फिर फ्यूज हो जाएगा। कोई भी बल्ब ओवरहीटिंग की वजह से फ्यूज होता है, बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अंडर वाटर किया था तो ये पूरा अपैरेटस लिक्विड कूल्ड था। सो गाइज, आपको पता होगा कि जो लिक्विड कूल्ड इंजन है वो एयर कूल्ड इंजन से काफी बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरहीटिंग का कोई इशू नहीं है, इसीलिए बल्ब फ्यूज नहीं होगा या ब्लास्ट नहीं होगा। अगर सडन टेम्परेचर डिफरेंस आता है तब बल्ब ब्लास्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग से पानी में है तो ब्लास्ट नहीं करेगा। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बल्ब है वो वाटरप्रूफ नहीं है, फिर भी पानी के अंदर क्यों जल रहा है। तो गाइस यार मुझे तो नहीं पता कि ये जो पानी, ये जो लाइट बल्ब है, ये पानी के अंदर किस तरीके से जल रहा है या फिर क्यों जल पा रहा है। इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफी आलसी होती है, तो वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ पे जाने की कोशिश करती है। तो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस पानी के रेजिस्टेंस से काफी कम है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बल्ब में फ्लो कर रही है और पानी में फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। बट गाइस, फिर भी आप इस पानी को टच मत करना, क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल लीकेज रहता है जो कि आप इस टेस्टर से देख सकते हैं। गाइस, ये सब कुछ बंद है, बट अगर आप फिर भी देखेंगे तो इसमें करंट लीक हो रहा है, तो आप इसे टच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सो गाइस, दिलराज भाई ने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ये पूरा अपैरेटस है ये अंडर वाटर होने के बावजूद भी शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं कर रहा है। लाइट बल्ब पानी के अंदर कैसे जल सकता है यार, ये शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि जैसे ही हम इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये शॉर्ट हो। तो गाइस, जनरली जो लो रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं वही शॉर्ट सर्किट करते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट का उतना डर नहीं होता है। तो जो वाटर है वो एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और अगर आप बल्ब को निकाल भी देते हैं और फिर भी पूरे अपैरेटस को पानी में डालते हैं, फिर भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक स्ट्रेंज रिएक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए बबल्स फॉर्म हो रही है। तो आप बबल्स को भी देख सकते हैं, और आप ये देखिए धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और बबल भी फॉर्म हो रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज एक्सपेरिमेंटर एक्स साइनिंग ऑफ।